नमस्कार, ग्लोबल मंथन न्यूज में आप सभी का स्वागत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 2 दिन का जोधपुर का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। शनिवार को दोपहर वह जोधपुर पहुंचने वाले थे, उनके शुक्रवार रात को ही दिल्ली जाने का कारण ये कार्यक्रम स्थगित किया गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 167 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिनके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार तक ऑफिशियल वेबसाइट cpcb.nic.in पर जाकर 31 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जोधपुर पुलिस ने आर्म्स एक्ट में वांटेड चल रहे बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसमें डकैती, हत्या का प्रयास, मारपीट के मामले शामिल हैं। श्रीगंगानगर में रहने वाले बीएसएफ जवान गुरुवार को शहीद हो गए। शनिवार सुबह सूरतगढ़ से लेकर उनके गांव तक 40 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकालकर उनके घर पर देह को लाया गया। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट तैयार किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यहां लगे स्टैचू व दूसरे मॉन्यूमेंट ऐसे हैं जो अब तक दुनिया में और कहीं नहीं है। करीब 3 साल से डेवलप हो रहे इस चंबल रिवर को अगले महीने आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। राजस्थान में पास हुए राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स 27 मार्च को बड़ी रैली निकालने की तैयारी में हैं। इन्होंने 29 मार्च को एक दिन सामूहिक अवकाश करने का फैसला किया। अगर ऐसा होता है तो इस दिन प्रदेश भर की 2000 से ज्यादा प्राथमिक सुविधाएं, स्वास्थ्य केंद्र PHC और स्वास्थ्य केंद्र CHC बंद रह सकते हैं। राजस्थान में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन शनिवार को अजमेर के मदार स्टेशन पर लाई गई। अब यहां मदार स्टेशन पर ट्रेन को रखरखाव होगा। स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। राजस्थान में पिछले 2 सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बारिश और ओले गिरना आज से थम सकते हैं। अब 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। इनके साथ ही दिन में तेज धूप निकलने का भी अनुमान है। अजमेर में एक युवक रात भर बिजली के तारों पर घूमता रहा। उसे नीचे उतारने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं माना। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। जब युवक नीचे नहीं उतरा तो टीम के लोगों ने तारों पर चढ़कर उसे नीचे उतारा। इडाना माता ने शुक्रवार को करीब 1 साल के बाद अग्नि स्नान किया। नवरात्र के तीसरे दिन शुक्रवार को शाम 4:30 पर अचानक मंदिर में प्रतिमा के पास आग लग गई। अग्नि स्नान की सूचना मिलते ही आसपास के लोग दर्शन के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को एक बार फिर कर्नाटक पहुंचे। राज्य में उनका इस साल का ये 7वां दौरा है। प्रधानमंत्री ने भाजपा के विजय संकल्प यात्रा के समापन समारोह में रोड शो कर जनसभा का संबोधित किया। नमस्कार गुरु, जन समर्थन मिला है इसको, अब हमें आने वाले 3 महीने कड़ी मेहनत करके हर बूथ पर पहुंचाना है। पहुंचाओगे? कर्नाटक का ही एक वीडियो देख रहा था, एक पार्टी के बड़े नेता कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारने का आनंद ले रहे थे। वो जनता जनार्दन का सम्मान क्या करेंगे? कर्नाटक ने अवसरवादी और स्वार्थी गठबंधन की सरकारों का लंबा दौर देखा है। ऐसी सरकारों से कर्नाटक को हमेशा नुकसान हुआ है, इसलिए कर्नाटक के तेज विकास के लिए भाजपा की पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार बहुत जरूरी है। आज राहुल और प्रियंका गांधी कांग्रेस ऑफिस पहुंचे और 28 मिनट की मीडिया से बातचीत करी। राहुल ने कहा कि मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया? अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है।
सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? लैंड फॉर जॉब्स स्कैम मामले में लालू के परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सीबीआई ऑफिस में पूछताछ हो रही है। मीसा से ईडी सवाल जवाब कर रही है। वारिस पंजाब डे के चीफ खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की एक और सीसीटीवी फोटेज सामने आई है जो पटियाला का बताया जा रहा है। इसमें अमृतपाल जैकेट और चश्मा पहने हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह सीसीटीवी फोटेज अमृतपाल के पंजाब से हरियाणा आने से पहले का है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।